हल्द्वानी में आयोजित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट नशे के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम युवा जोश युवा सोच में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आने वाले बच्चों के लिए काउंसलर बनकर अभिभावक उन्हें बचा सकते हैं। बच्चों के बदलते स्वभाव को यूं ही नजरअंदाज ना करें, उन्हें समझें और बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करें। उन्होंने देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत की उपलब्धि को भी बताया। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह की तरक्की और कामयाबी के लिए जरूरी है कि देश की युवा शारीरिक और बौद्धिक रूप से खुद को मजबूत रखें। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी, स्वामी रामेश्वर दास, ब्रह्म कुमारी, अभिषेक पंत, विक्रम अधिकारी, विनीश रंधावा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कटु सत्य है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र में बहुत पनप रहा है। 4 किलो अभी तक स्मैक यहाँ पकड़ी गई है इस क्षेत्र में और उसकी कीमत 1 किलो की कीमत तो 1 करोड़ होती है। हमारा प्रोग्राम आज जो शंकर कोरंगा जी ने युवा शक्ति को ताकत देने वाला शंकर कोरंगा का ये प्रोग्राम सारा प्रोग्राम था, इसमें हमारा बच्चों को नशे से दूर भगाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए यह प्रोग्राम है।